हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम जा रहे हैं मेरे ससुराल। ऑलमोस्ट पहुँच गए, आप लोग समझ ही गए होंगे मुझे देख के। और हम लोग ना आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर पाई वहाँ से व्लॉग। और आज हम लोग मम्मी को सरप्राइज़ दे रहे हैं, क्योंकि मम्मी को पता नहीं है, मंडे को इनकी छुट्टी है, तो मम्मी को पता नहीं है हम लोग आ रहे हैं। तो देखते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है। कितने यहाँ इधर साइड बड़े बड़े हो गए हैं। अच्छा, मुझे फसल की जानकारी देते हुए ले जा रहे हैं। अब कुछ दिन बाद हम लोग ना एक खेत खरीदेंगे, वहाँ जाके खेती बाड़ी करने वाले हैं। हम जब हम आए थे पूरा कच्चा कच्चा था, देख तुम ग्रीन है वहाँ आपसे कोई काम नहीं होता, यहाँ एकदम वाटर। ये आके मुझे बता रहे थे कि पेड़ में बहुत सारे आम आए हैं इस बार, तो मैंने कहा आप लेके क्यों नहीं आए, तो ये बोले चलो तुम खुद ही तोड़ लेना। धूप में तुम क्या करने जा रही हो? लाइफ में ना फर्स्ट टाइम अपने हाथों से ऐसे आम तोड़ा है, तो इतनी एक्साइटेड थी इस चीज को लेके। ले लिया, ये भी नहीं पता है मुझे क्या पता ना। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। कौन सा है, सुन के बता। बम्बई। अभी तो बता। चलो एक आम लेके चलते हैं, इसका चटनी बनाएंगे। बहुत सारा आम है, पहले तो जितना मंजर उस अकॉर्डिंग नहीं है, सब चलते हैं। इसका क्या करेंगे, तोड़ के? इसका कुछ ना कुछ करा ही जाएगा, क्या तो अचार बनाऊंगा। क्या करेंगे? एक का अचार बनाऊंगी। चाची ले लिए, वीडियो भी बना लेंगे ना। और शाम को ये बाबू मेरे से मिलने के लिए आई थी, भैया की बेटी है, और इतना बदमाशी कर रही थी। इसको हमने चुपचाप बिठा दिया तो नाराज होके बैठी थी, बदमाशी नहीं करने दे रहे थे हम। लो ये शाम का टाइम हो गया, और ये लेके आए हैं मेरी फेवरेट चीज जो मैं यहाँ के खाती हूँ, वो अभी मैं परोसती हूँ प्लेट में सबके लिए, फिर हम लोग खाएंगे। और मैंने प्लेट में ले लिया, और इसकी चटनी थी, और साथ में घूमनी था, झाल मुड़ी थी, और समोसा था, जो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खाने के लिए। आप ले लिया? आई एम नॉट ले लिया। ये मेरे देवर है, उनके साथ थोड़ा मस्ती मजाक चल रहा है। तो आप कैसे बात करोगे उससे? जो हो जाए, जो हिंदी में सिर्फ बात करेगी तो हिंदी में पूरे टाइम बात कर लोगे आप उससे? हिंदी में कर लेगा, और इंग्लिश में कैसे करोगे? समझ में आ जाएगा ना। जल्दी जल्दी आपके लिए फॉरनर लड़की लाएंगे, उसका लैंग्वेज आप नहीं समझोगे, आपका वो नहीं समझेगी, तो लड़ाई भी नहीं होगा शादी के बाद। सही बात। वो जब मेरा रील देखा ना, शादीशुदा जिंदगी जम्मू कश्मीर की जैसी होती है, दिखने में तो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन लड़ाई का खतरा खत्म रहता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग भागलपुर के लिए निकल गए थे, तो वो व्लॉग भी जल्दी आएगा। और आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।